हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल टेनिथ और आज हम लेके आए आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का व्हाट्सएप बैंकिंग, जिसमें हम सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग कैसे करें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जैसे हम अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को और टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने बैंक को एक मैसेज भेजेंगे और बैंक की सारी जानकारी, अपने खाते की जो भी जानकारी है, हम अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आजकल के ज़माने में हर किसी के मोबाइल में व्हाट्सएप रहता है, सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो हम व्हाट्सएप से ही बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, हम एक स्टेप पर बात करेंगे कैसे इसको चालू करेंगे और क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर करके जाएँ और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि तो बैंक ऑफ बड़ौदा से व्हाट्सअप कैसे करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये भी व्हाट्सअप का नंबर जो है पहले से अपने मोबाइल में सेव करके रखा है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट में जा करके मैं एक नंबर जो बताऊँगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का व्हाट्सअप नंबर है, उसको अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट में ऐड करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का जो व्हाट्सअप नंबर है वो इस तरह कुछ खुलेगा। तो अपने कुछ कुछ नहीं करना दोस्तों, नंबर सेव कर लिए कॉन्टैक्ट में, उसके बाद हम चैटिंग में आ जाएंगे और बी बी व्हाट्सएप का नंबर जो हमने जिस भी नाम से सेव किया है उस नंबर कॉन्टैक्ट से हम चैटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ नहीं करना, सिंपली हम लोग हाई लिख करके सेंड करेंगे। देखिए मैंने हाई लिख के सेंड किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला, नमस्कार, बैंक ऑफ बड़ौदा की व्हाट्सएप बैंकिंग में आपका स्वागत है, अपनी पसंदीदा भाषा का चुनाव करें। तो यहाँ पर हम दो लैंग्वेज यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी। अब हमको जो भी लैंग्वेज में चैटिंग करना है वो लैंग्वेज हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश दो नंबर में है, तो हम यहाँ पे सिंपली दो नंबर टाइप करके सेंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने भाषा का जो चयन था वो भाषा का चयन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके हमने 6 डिजिट का OTP भेजा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मेरा OTP दोस्तों आ गया है 043915। अब मैं OTP यहाँ पर डाल दूँगा। तो दोस्तों मैंने जो WhatsApp पे जो OTP आया था वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, थैंक यू फॉर चूजिंग बैंक ऑफ बड़ौदा WhatsApp बैंकिंग सर्विस, वुड यू लाइक टू रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर WhatsApp। अगर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी अपडेट अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप पाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे नो पे क्लिक करके निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया, थैंक यू फॉर साइनिंग अप, हमने साइनिंग कर लिया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, अकाउंट से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो हम एक नंबर दबाएंगे। फास्ट टैग से चाहिए तो दो नंबर। तीन नंबर में है डेबिट कार्ड सर्विसेज। चार नंबर में दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ये सारे आ जाएंगे। और पाँच नंबर में है दोस्तों ब्लॉक डिजिटल चैनल अकाउंट ब्लॉक। अगर हमारा ATM कार्ड लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो हम यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे हमको कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना है, कोई इंश्योरेंस चाहिए तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर में है माइक्रो इंश्योरेंस सर्विसेज, जिसमें हम PMSBY और PMJJBY, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 12 रुपये का इंश्योरेंस होता है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो 330 रुपये का इंश्योरेंस होता है, वो हम यहाँ पे 7 नंबर ऑप्शन से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर में आता है सेविंग एंड लोन प्रोडक्ट। अगर कोई सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई लोन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम 8 नंबर ऑप्शन यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है 9 नंबर अदर सर्विसेज में आ जाएगा, और 10 नंबर में हम लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम ऐसा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ टाइप बेल फॉर गेटिंग द अकाउंट बैलेंस। अगर हम अपने अकाउंट का बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे BAL बैल लिखेंगे और यहाँ पे सेंड कर देंगे। अब हमारे अकाउंट डिटेल यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट लिंक होंगे इस मोबाइल नंबर से, वो सारे अकाउंट का लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट हैं तो यहाँ पे सारे अकाउंट का लिस्ट आ गए। अब हमको कौन से अकाउंट का बैलेंस जानना है वो हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। हम सिंपली एक नंबर वाले अकाउंट का बैलेंस अगर जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 1 इंटर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे अकाउंट का बैलेंस दिखेगा। देखिए दोस्तों ये मेरे अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे दिख गया। अगर हमको यहाँ पे प्रीवियस मंथ में जाना है तो हम यहाँ पे स्टार दबाएंगे।
अगर मेन मेनू में जाना है तो हैश दबाएंगे। तो हम प्रीवियस मेनू में जाते हैं, स्टार दबाएं, तब हमको प्रीवियस मेनू में दोस्तों जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब अकाउंट बैलेंस के लिए एक, मिनी स्टेटमेंट के लिए दो, देखिए तीन नंबर में हम चले जाएंगे चेकबुक रिक्वेस्ट पे, चार नंबर में चेक का क्या स्टेटस है वो चला जाएगा, पाँच नंबर में अपने जो हम चेकबुक या रिक्वेस्ट डाले हैं उसका डिलीवरी का स्टेटस क्या है वो ट्रैक कर सकते हैं, छः नंबर दोस्तों अकाउंट का स्टेटमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं, सात नंबर में अपना अकाउंट में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो हम जान सकते हैं कौन से ईमेल आईडी हमारे अकाउंट में रजिस्टर्ड है। ये सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले बैलेंस चेक कर लिए, तो हम मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं। दो नंबर का ऑप्शन जो है वो हम सेंड करेंगे तो हमको मिनी स्टेटमेंट का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर से वही बहुत सारे अकाउंट हमारे मोबाइल नंबर से लिंक है, तो ये मल्टीपल अकाउंट का लिस्ट आ गया। हमको कौन से अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चाहिए वो हम यहाँ पे नंबर इंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले एक नंबर का बैलेंस चेक किए थे, अभी हम दो नंबर डाल के उसका मिनी स्टेटमेंट मंगाते हैं। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दो नंबर डाला, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पिछले जो पांच ट्रांजेक्शन है वो पांचों ट्रांजेक्शन के डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पांच ट्रांजेक्शन जो मेरे अकाउंट से रिलेटेड हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp से बैंकिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप हर एक ऑप्शन को एक एक करके चेक कीजिए और आप अपने हिसाब से जो यूजफुल हो उसको यूज कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से WhatsApp बैंकिंग करना, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।